दोस्तों, मैं ऋषभ मिश्रा आप सभी लोगों का अपने चैनल एजुकेशन प्लांट में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आप सभी लोगों के लिए बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की और उसके ग्रुप्ड मेथड की डिस्कस करेंगे कि ग्रुप फॉर्म में अगर डेटा हमारा गिवन है तो उसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो आइए हम जानते हैं और सीखते हैं कि कितनी आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल एजुकेशन प्लांट में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें। आइए शुरुआत। यहाँ पर हमें ग्रुप्ड फॉर्म में डेटा गिवन है और इसी से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि इसमें इसका मिड पॉइंट का एज्यूम मीन मान लेते हैं, है ना। और शॉर्टकट के लिए हमने आप लोगों को बताया था कि हम कहीं पर भी डायरेक्टली हम ये काम कर सकते हैं कि ज़ीरो रख दिया और जहाँ पे हम ज़ीरो रख रहे हैं उसी का मिड पॉइंट आपका एज्यूम मीन हो जाएगा। हालांकि एचडी में आपको एज्यूम मीन की अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, आइए हम पहले फार्मूला देख लेते हैं, फिर फार्मूले के अकॉर्डिंग ये ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला इसका होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू आई, आई मीन्स क्लास इंटरवल का जो गैप होता है वो हमारा आई होता है, और सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल ऑफ स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर हमें आई की रिक्वायरमेंट है, आई की जरूरत पड़ेगी, ये आप जानते हैं, एफ आप जानते हैं, एन आप जानते हैं, डी क्या है वो हम बताएंगे। और जैसे ही आपको डी पता चल जाएगा फिर आप समझ जाएंगे कि इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो डी के लिए हमने ऊपर लिख रखा है कि डी की वैल्यू एक्स माइनस ए अपॉन आई, एक्स हो जाता है मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, ए होता है एज्यूम मीन, मतलब सारे क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट है उससे अगर हम ए को माइनस करें और आई से डिवाइड कर दें तो हमारा डी निकल कर आ जाता है। उसी के शॉर्टकट की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम अपनी मर्जी से जिसके भी मिड पॉइंट को एज्यूम मीन मान लें उसी को आप ज़ीरो रख दीजिए, ठीक है। बहुत लेंथी प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं हमने यहाँ पर इसके मिड पॉइंट को एज्यूम मीन माना, मीन्स 116 को, तो इसके सामने हमने ज़ीरो रखा और जितने बढ़ते हुए क्रम में नंबर हैं वहाँ हमने पॉजिटिव में 1 2 3 4 रखा और जिधर घटते हुए क्रम में नंबर है वहाँ हमने माइनस में 1 2 3 4 5 रखा है, सिंपल, ठीक। अब इस माइनस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डी का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे डी के स्क्वायर कर दिए, एक बार हमने एफ को डी से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया और सेकेंड टाइम एफ को डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। दोनों ही केसेस में हम इसको ऐड कर लेंगे, जैसे सिग्मा एफ डी किया तो माइनस 8 आया और सिग्मा एफ डी स्क्वायर किया टोटल तो 122 आया। एन की वैल्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी का टोटल आपका 24 है। अब आइए ये सारी वैल्यूज हम फार्मूले में पुट करके इसको निकालते हैं। यहाँ पर ये सारी वैल्यूज आप निकाल चुके हैं, आई की वैल्यू 3, ये सब आप देख चुके हो। और अब आइए, ये हमारा फार्मूला होता है सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं। एक ये आपको ऊपर सिग्मा दिख रहा है, एक ये सिग्मा दिख रहा है। इस सिग्मा का मतलब होता है सम, टोटल, है ना, और इस सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं जिसे सिग्मा कहते हैं। I मीन्स क्लास इंटरवल इंटू अंडर रूट के अंदर सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। अब ये सारी वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं, सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू 122 एंड एन 24 है आपका, माइनस में यहाँ पर हमने सिग्मा एफ डी माइनस 8 रखा और अपॉन में 24, इसका होल ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को जैसे कैलकुलेशन हम लोग करते हैं वैसे ही कर लिया, माइनस 8 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 64 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 होता है, स्क्वायर होने पर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो वो प्लस में ही रहेगा, ये ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है इससे अभी कोई मतलब नहीं, इस वाले को हमने प्लस में किया। फिर 24 का स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर 24 का स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाए तो हम डायरेक्टली 24 को बाहर निकाल लेंगे रूट में, ठीक है, क्योंकि अंदर रूट के अंदर रहता है। अगर हमको पूरे पेयर मिल जाए 24 का, मींस एक पावर मिल जाए तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको एक्स्ट्रा 24 ऐड करना पड़े, ठीक, तो एक हम 24 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, एक नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमको 24 स्क्वायर नीचे होगा, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो जैसे ही हम नीचे करते हैं तो ये वाला 24 पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा और 122 इंटू 24 हमने यहाँ पर लिख दिया, माइनस 64 जैसे था वैसे हो गया,
अब ये 24 बाहर आया, 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 8 जा 24, 1 अपॉन 8, और 122 को 24 से मल्टीप्लाई किया, 2928 आया। इसमें से 64 माइनस करने पर 2864 आया। और अब हम क्या करेंगे, 2864 का रूट निकाल लेंगे, जो कि वैल्यू 53.52 आई। रूट कैसे निकालते हैं, आप हमारे पिछले वीडियोस में देख लीजिएगा कि स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, हम किस तरीके से उसका रूट निकाल लेते हैं। इसमें आपको डिवीजन मेथड भी बताया गया और शॉर्टकट मेथड भी बताया गया, आप पुराने वीडियोस में जाकर उसको देख सकते हैं। यहाँ पर रूट निकालने पर 53.52 आया, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर 6.69 आ चुका है। ठीक, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, और जहाँ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट।